वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड। 13 सितंबर रेलवे ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आया था बीसू त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है, तो केरल। नेक्स्ट आया था आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम। नेक्स्ट आया था कितना तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोबोके हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आया था इनमें से कौन सा समरूप नहीं है, C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नगर निगम का गठन कम से कम कितनी आबादी का होने पर किया जाता है, तो 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, स्कटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देवेंद्र झाझरिया को कौन सा अवार्ड 2022 में दिया गया, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ग्रुप 14 में इनमें से कौन सा एलिमेंट का मोल मेटलॉइड है, तो जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो रिड्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड पर क्या होगा, तो H+। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसी फिल्म में कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो रेंट का चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग रमजान का त्यौहार किस महीने में होता है, 9वें महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हुए कितने नंबर के एथलेटिक्स है, पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से हुई जाती है, तो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर जितने दूरी पर दर्पण से दूर वस्तु रखी हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मछली के ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में क्या सही है, तो उसके दो चैम्बर हर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अगर वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए करंट को आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं V=IR होता है। अगर वोल्टेज को दोगुना और करंट को कितना कर दिया, आधा कर दिया जाए, आधा कर दें तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसको R से अगर R 2×2 यानी 4 होगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जीवाश्म का कार्य इनमें से क्या होता है, तो जीवाश्म का कार्य होता है प्राकृतिक वैज्ञानिकों संकेतों के अतीत जलवायु का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड के पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो एटॉमिक रेडियस का साइज घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मनुष्य के भोजन के पाचन के बाद न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स किसके द्वारा ब्लड एब्सॉर्ब करने के लिए लाया जाता है, तो प्लाज्मा के द्वारा ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था केमिकल रिएक्शन दिया गया था उससे किसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा कौन सी है नहीं है इससे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट लगा सकते हैं इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2022 में पीएम का एक योजना से पूछी गई थी क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना कब कराई गई थी, तो पहली बार जनगणना 1872 में, नियमित रूप से जनगणना 1881 में और भारत स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वृक्ष जो सबसे बड़ी वृक्ष है किस राज्य में पाई जाती है, तो बरगद का वृक्ष है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बायो बॉटनिक गार्डन ऑफ हावड़ा कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1 अप्रैल 2015 से पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया, वह की किससे संबंधित है, तो वह महिलाओं के साथ अगर मारपीट उत्पीड़न दहेज घरेलू हिंसा होती है तो वह तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से न्याय दिलाया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।